हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी के लिए, प्लांट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, अदर एनिमल्स के लिए ये किस तरीके से हार्मफुल है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जितना यूजफुल हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है ये लिविंग थिंग्स के लिए ये हार्मफुल होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जब हम लोग फूड लेते हैं, पानी जो है पीते हैं, या फिर जो है सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, उस पीरियड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के जरिए, वाटर के जरिए, एयर के जरिए हमारे बॉडी के अंदर चले आते हैं और डिजीज़ को पैदा करते हैं। तो यही जो है हम लोग को पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से बीमारियां होती है और कितना ये हार्मफुल हैं। तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जिस तरीके से यूजफुल होते हैं उसी तरीके से ज़्यादा जो है ये हार्मफुल होते हैं, इसी के बारे में पढ़ना होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। Some disease causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing, and leather. अब जो है फर्स्ट पॉइंट हम लोग का पढ़ना है, इट इज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन ह्यूमन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स में, ये फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है कि पैथोजेंस जो होता है इंटर द बॉडी थ्रू एयर, एयर वी ब्रेद द
वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट, खाना खाते हैं तो फूड के जरिए, पानी पीते हैं तो वाटर के जरिए, और जो है सांस लेते हैं तो फिर एयर के जरिए, ये बॉडी के अंदर तो आ जाते हैं। दे ऑल्सो इंटर द बॉडी बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये तो हो गया, अभी इसमें बाकी है, नेक्स्ट डे हम लोग इसमें और लिखेंगे।